पैंगोंग लेक पे कैंपिंग कर रहा हूँ और बाहर बर्फ पड़ रही है। We are going to Pangong Teso. That is Pangong Lake. Teso means lake. TSO Teso means lake. और हम जा रहे हैं पैंगोंग की तरफ। मैं आपको नज़ारे दिखाता रहूँगा। Just keep watching. क्योंकि ऐसा नज़ारा कहीं और नहीं मिलेगा। Straight from Ladakh, September 2019. हम कश्मीर से होते हुए यहाँ आए। लोग डर रहे थे कश्मीर में जाने से, आर्टिकल 370 लग गया है, अब कोई यहाँ पे आएगा नहीं। कश्मीर सच में बंद था, लोगों ने कश्मीर बंद कर रखा है नाराज़गी में, डरते हैं लोग वहाँ जाने से। और लोग भी नहीं वहाँ आ रहे, विजिटर्स भी नहीं आ रहे, बाइकर्स भी नहीं आ रहे, राइडर्स भी नहीं आ रहे, लेकिन हम हैं डेयरिंग बाग। अभी मौसम बहुत सुहावना है और ठंड नहीं लग रही क्योंकि हमने बहुत सारी लेयरिंग की है। मैंने वेस्ट के ऊपर डाली है दो, माइंड यू, दो थर्मल्स डाले हैं मैंने और उसके ऊपर डाली है फुल स्लीव्स टी शर्ट और फिर डाली है मैंने अपनी राइडिंग जैकेट जिसमें दोनों लाइनर लगे हुए हैं। इतनी लेयर्स कर ली है भाई कि पैंगोंग क्या मुझे मैं हिला नहीं सकता, ये सोच है मेरी। लेकिन आई नो कि पैंगोंग बहुत खतरनाक है। अभी लोग वहाँ से हो रहे हैं, सितंबर में बहुत खतरनाक होता है, जून में आप लोग आओगे जो मर्ज़ी डालो वहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है, मौसम ठीक होता है। सितंबर में वहाँ की हवाएं सर्द होती हैं, धूप में भी ठंड लगती है, कब कभी छूटती है, सो बी केयरफुल राइडर्स। दोस्तों हम जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट से पैंगोंग, तो रास्ते में खलसर आता है और खलसर से एक मोड़ है जो हमें सुमुर तरफ ले जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुमुर से ही हमें जाना पड़ता है पैंगोंग, और खलसर से वो आता है मोड़। बीच बीच में रोड टूटी हुई है, अदरवाइज की सारी रोड बहुत अच्छी है, हमें कोई प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ा। कुछ लोगों को लगता है ये जो पहाड़ियाँ हैं वो सूखी पहाड़ियाँ हैं, उन्हें ये नहीं पता कितनी खूबसूरत है ये, हर कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों जिस रोड पर हम जाने वाले हैं वो इतनी खूबसूरत है, उसके आसपास का नज़ारा देखेंगे तो आपके मुँह में पानी आ जाएगा कि यहाँ भाग के आ जाऊँ। अंग्रेजी बंदा ऐ करता रहता, पहले कुछ पहना नहीं, देखो नज़ारा, ऐसा नज़ारा नहीं देखा। यहाँ से पैंगोंग 130 किलोमीटर है, जब हम नुब्रा के लिए लेफ्ट मुड़े थे तो यहाँ से राइट मुड़ेंगे तो हमें मिलता है पैंगोंग। यहाँ से मेन 130 किलोमीटर से पैंगोंग, हमें खरजूंग विलेज नहीं जाना पड़ा, उससे पहले ही वो आता है तो श्योक रिवर की तरफ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़मीन पर रेत आई रहती है। कितना खूबसूरत है नज़ारा, अरे वाह, हमारी वाटर क्रॉसिंग आ गई, पैर उठा लो, चख लो, फटे नप लो गिल्ली। कुछ लोग ऐसी नज़ारे देखकर पागल हो जाते हैं और उनको जरूरत पड़ती है डॉक्टर की, डॉक्टर गुलाटी की, जो अब नहीं रहे। आई लव उपमा, ये पुल दोस्तों, पुल पे कहते हैं गाड़ी एक एक करके चढ़ाएं, इकट्ठे राश पे बोझ मत डालें। हैप्पी बर्थडे, किसका हैप्पी बर्थडे आज, अबे जिसका भी है हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त, खुश रहे। You man, guys look at this beautiful
ब्यूटीफुल व्यू मैन। ये सब लोग यहाँ आ चुके हैं और मैं भी कैम सिंह। गाइस हम रुके हैं रास्ते में पेंगोंग लेक के और हमें भूख लगी है। आज सुबह से कुछ नहीं खाया हमने और यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों है ना गजब, गजब का है दिन। देखो जरा ये दीवानापन, समझो जरा हम भी अकेले तुम भी अकेले। मजा आ रहा है कसम से। आई कांट स्टॉप माई सेल्फ दोस्तों, इतना खूबसूरत नजारा और हम तो यहाँ नहीं जाएंगे, ये बात कुछ बनती नहीं। वाओ, पेंगोंग का रास्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत मजा आ रहा है यार। अब मैं खड़ा होता हूँ, मेरा पैर है पानी के अंदर, स्लिप ना कर जाऊं कहीं, निकलना पड़ेगा यहाँ से। बोला मुझे देखकर और लोग भी आ जाएंगे और हमारे पास एक ही कम चीज़ है, वो है टाइम। भूख लगी है, कुछ खाएंगे, देखते हैं खाने को क्या है। सो मैम यू आर वर्किंग हियर, कितने देर से काम कर रहे हैं आप यहाँ से? मई से। एंड कंटिन्यूस यू आर वर्किंग हियर? वाओ। एंड व्हाट्स योर नेम मैम? पुंचोक। एंड मैम व्हाट्स योर नेम? डोलके। डोलके, वाओ। हरप्रीत जी आप क्या लेंगे? ब्रेड ऑमलेट। और करमवीर जी? ब्रेड ऑमलेट। मैम फोर ब्रेड ऑमलेट फॉर वन टू थ्री एंड वन आउटसाइड। दोस्तों मेरा ये है लंच जो मैं खाने वाला हूँ, ब्रेड ऑमलेट। इट लुक्स यमी। और देखिए इस पे क्या लिखा है, वाओ, इस पे लिखा है कैम्स। ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। दोस्तों एक है हमारे शहनशाह सुफियाना सोनू निगम और हम जहाँ खड़े हैं इस गांव का नाम है अगम। बैक जोक, आई नो दैट। और हम बस दोस्तों यहाँ में खाना वाना खा के चाय वाय पी के निकलने वाले हैं पेंगोंग के लिए। और मौसम सुहावना है, धूप निकली है, ठंड नहीं लग रही अभी। आगे मौसम कैसा होगा आई डोंट नो। और मैंने डाल लिए हैं, अभी आप देखेंगे मेरे पाँव में क्या है। मैंने डाले हैं ये, दीज आर गुड, ये मुझे बचाएंगे आने वाले झरनों से जो रास्ते में अगर घिरे होंगे। कहते हैं आगे पानी आएगा पैरों में, तो आई एम फुली प्रिपेयर्ड। रीना ने डाल लिया है और बाकी सब सेफ है। आगे का हाल बताएंगे आपको पेंगोंग जाके और रास्ते में दिखाएंगे थ्री आपको गोप्रो की शॉट्स। लव यू ऑल। इतने बड़े इंजन नाल 28 दी एवरेज ले रहे हो आप? फुली लोडेड और 1 पिलियन लेके भाई दी गड्डी बहुत अच्छी है। आई लव यू। एक नंबर दी गड्डी। ये है पीबी संती, एच फॉर हनी, हनी इज माय निकनेम एंड 0030। तीन नंबर साडा लकी है भाई जी, वी थोड़ा नाम की है सोने हो। ओ बाजी 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 शर्माओ ना, ओ गल सुनो, ओ पाजी गल सुनो, शर्मा क्यों रहे हो? ऐसी ऐसी रोज बीच में आते हैं, लोग दब जाते हैं। रोड इज हिली, डोंट ड्राइव सिली। ये है श्योक रिवर। गाइस हम श्योक रिवर, श्योक के पास पहुंचे हैं, बस 1 किलोमीटर दूर है श्योक। रास्ते में बहुत सारी रिवर क्रॉसिंग्स आई, सो क्रॉस करते हुए आराम से यहाँ पहुंचे हुए। हवा बहुत तेज है लेकिन ठंड नहीं लग रही, ओके है क्योंकि हम बहुत ज्यादा कवर्ड हैं। बहुत मजा आ रहा है, सभी फोटोशूट के लिए रुके हैं। यहाँ पे पीछे मैं व्यू दिखाता हूँ आपको कैसा है। आप देखिए मेरे पीछे कितने सुंदर पहाड़ हैं, कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है और मजा आ रहा है। आज मेरे साथ पिलियन राइडर हैं शेफाली श्रीवास्तव जो मेरे पीछे बैठे हैं। भैया एक बार बैठे थे पीछे करमवीर सिंह, उससे पहले बैठे थे हरप्रीत जी और आज बैठी हैं शेफाली श्रीवास्तव। हाँ जी, कैसा फील हो रहा है शेफाली जी आपको? कैसा लग रहा है आपको आज बैठ के बाइक पे? इतनी खतरनाक सी वहाँ पे रस्ते आए जब बहुत ज्यादा रोड थी ही नहीं, तो कैसा फील हो रहा था? गिर जाएंगे क्या लग रहा था आपको? बिल्कुल भी नहीं
ऊंची बोली गाइले बिल्कुल भी डर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। क्यों डर नहीं लग रहा था आपको? तो उसे चलाने वाले से ना। देखिए मेरे पे भरोसा है इनको कि राइडर अच्छा हूँ और मुझे भरोसा है अपने जेंडर पे। ये है मेरा जेंडर अलेक्जेंडर जिसने इतना अच्छा मुझे लेके गया है हमें हर रोड पे हर राइड पे। देखिए इतना औसम तरीके से और इसके साथ देखिए कितना इतने टफ रास्ते को इसने इतना इजी कर दिया। थैंक यू लव यू डॉन रॉयल स्पीड लव यू जेंडर। अरे भाई डिप्रेशन पॉइंट अब आया है। हम तो खाना खाए कैंटीन तो यहाँ आए थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करनी पड़ रही है थोड़ी सी हमें। दोस्तों ऑफ रोडिंग करते हुए एक बार ध्यान रखिए कि आप हमेशा सॉफ्ट हैंड से बाइक को पकड़ें ताकि एकदम से बाइक स्लिप ना करे और जैसे भी आप बाइक में हैंडल दखल संभाल सकें उसको जैसी भी कंडीशन हो। और दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे दोस्तों कोई नुकीला पत्थर हो तो उससे ज़रूर बचाएं बाइक को। नुकीला पत्थर आपके टायर को फाड़ देगा फिर क्या होगा अंडरस्टैंड। बी वेरी केयरफुल कि कोई नुकीला पत्थर ना आए जितना हो सके बचाइए उसको। ये नहीं है कि हर बार आपका पत्थर से टायर फटेगा तो बच भी सकता है लेकिन कोशिश कीजिए कि ना ही लगे। उनको आन दो रास्ता कठिन है लेकिन रास्ते कठिन नहीं होंगे तो हीरो कैसे बन के निकलेंगे। भाई हीरो बनना है तो कठिन रास्तों से निकलना होगा और इसी में मज़ा है। यही है लद्दाख का एडवेंचर। मैनी ब्रो मिस यू आई नो तू मिस कर रहे हैं रास्ते है तो कहेंगे मैं इतने आना चाहता यू वॉन्ट टू कम हियर अगेन एंड अगेन आई नो आई एम श्योर अबाउट मैंडी तू यही कहेंगे सर मैं जाना है इससे एडवेंचर है कि नहीं पूरा भरपूर बहुत वधिया यार है। तेरे सामने देख ला इंटरसेप्टर ने एक भी धोखा नहीं दिता मैं। आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद माय जेंडर। मस्त बहारों का मैं आशिक मैं न किसी से प्यार करूं
अकाल। और मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया। नजारे नजारे, इट्स सो ब्यूटीफुल। रोड कहाँ गई? अरे रोड, अरे भाई, अरे भाई, अरे रोड फिर से गई। बेटा शेर उठा हमारा, मेरा भार आराम से, आराम से। कितने मजे से निकल रहा है, जैसे कोई खोला भी नहीं है। लोग कहते हैं कि ऑफ रोडिंग नहीं होती इंटरसेप्टर पे, देख लो भाई। और इससे बड़ी ऑफ रोडिंग क्या मिलेगी, पत्थरों से भरे हुए रोड, नदी के बीच में से हम निकल रहे हैं और कहते हैं ऑफ रोडिंग नहीं होगी। तो ये क्या है, इतनी अच्छी ऑफ रोडिंग ये कर रहा है ना, कोई नहीं करता। हाँ हिमालयन कर सकता है ऑब्वियसली, लेकिन 650 का जो इंजन है उसकी जान जानदार है। दो इंजन वाला बाइक, ट्विन। और मेरे बाइक का नाम है अलेक्जेंडर, जेंडर, कम ऑन जेंडर। शाबाश मेरे शेर, मेरे चीते, भाग भाग। अब भाग। इतनी बड़ी वाटर क्रॉसिंग, ओह माय गॉड, मैं डर गया, मैं डर गया मेरे दोस्तों। I have never seen them before, man. Woohoo! Wow, this is dreamland. This is dreamland, guys. Pangong Lake ka rasta itna 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 beautiful hai. Guys, हम पहुंच गए हैं पैंगोंग लेक। It's so beautiful. My goodness. ऐसा नजारा किसी ने देखा है तो वही है जो यहाँ पे पहले आ चुका है। वाह, पैंगोंग लेक। जल्दी अर्पित एनेक्शन बाय ला ले गिरे जब पिता पाला। गाइस दिस इज माय गॉड लेक, कम ऑन यो।
guys, we have reached Pangong Lake. और ये जर्नी खरदुंगला से तो टफ थी, हाँ टफ थी, मज़ा बहुत आया, बहुत इन्जॉय किया और रूट में इतना अच्छा था, जो बीच बीच में आ रहे थे पानी के स्रोत आ रहे थे, दैट वाज ऑसम। लेट मी शो यू व्हाट्स पैंगोंग लेक, लुक एट इट गाइस, ये है पैंगोंग लेक और आई विल गिव यू 360 व्यू, दीज आर बाइक्स। गाइस टाइम हो गया है 4:30 और हवा ठंडी है, पानी ठंडा है, ऑब्वियसली पैंगोंग का पानी ठंडा ही होगा और हमारे दो साथी चाहते हैं कैंपिंग करना। अब दोस्त तैयार हैं कैंपिंग के लिए और तीन तैयार हैं, कह रहे हैं कि हमें रूम चाहिए और एक हमारे महाशय करमवीर सिंह और मैं कंफ्यूज हैं, हम करें तो क्या करें, हमें दोनों चीज़ें मंजूर हैं, राइट करमवीर, आई एम श्योर अबाउट इट, हमें दोनों चीज़ें मंजूर है। अब हम कंफ्यूज हो गए, तीन की बात माने दो की बात माने, तो अभी डिसीजन अभी हम नहीं लेंगे, एक टेंट सेट करेंगे, उसके बाद जब वहाँ पे देखेंगे हवा का स्रोत कितना है, हवा कितनी आ रही है, तब डिसीजन होगा कि हम कैंपिंग कर रहे हैं कि रूम ले रहे हैं। देखते रहिए मेरे साथ आप कैंप्स टीवी। ये हो गया हमारा टेंट तैयार, जैसे देखते हैं क्वेंचर का है 3000 का आता है और थोड़ी लेंच है जो कैंपिंग करना चाहता है और सितंबर के महीने में कैंपिंग पैंगोंग लेक पे। देखते हैं क्या होता है। हेलो गाइस, मैं पैंगोंग लेक पे कैंपिंग कर रहा हूँ सितंबर 2019 में, आप देख सकते हो ये है मेरा छोटा सा कैंप और बाहर बर्फ पड़ रही है और बहुत मज़ा आ रहा है, ठंड नहीं लग रही बिकॉज बहुत कवर डाले हुए हैं हमने, पता नहीं मेरे ग्लव्स कहाँ पे, पता नहीं कहाँ क्या कहाँ पे है, एकदम से बारिश शुरू हो गई, सब छोड़ छाड़ के हम अंदर आ गए और बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। दो टेंट का साथ लगे हैं हमारे, एक में मैं सो रहा हूँ, एक में दलजीत भाजी सो रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों, पूरा मज़ा ले रहे हैं और बाहर स्नोफॉल हो रही है सितंबर में पैंगोंग लेक पे, बाहर स्नोफॉल में हम सो रहे हैं कैंप में, ये नेक्स्ट एक्साइटमेंट और नया जोश, नई नई चीजें हैं यार, किसी ने ऐसा एडवेंचर किया नहीं होगा। जो करते हैं इंडिया में लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं भाई, हम सब तो सब कुछ कर रहे हैं, देखो आप कितना मजा आ रहा, दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या है यहाँ पे, ये देखिए ये स्लीपिंग बैग है, ये मेरी जैकेट पड़ी है, एक पानी की बॉटल है भाई लोग, स्लीपिंग बैग और है और बाहर का नज़ारा क्या दिखाऊं मैं आपको मेरे यारा, देखिए बाहर का नज़ारा, बर्फ गिर रही है, बर्फ जैसे बारिश रुकेगी चाय का मजा ले जाएगा। अगर हम थोड़ा सा भी लेट होते दोस्तों तो हम शायद पैंगोंग लेक को देख ना पाते, किस्मत अच्छी थी हम पैंगोंग लेक को पूरी उसकी कितना बेस्ट उसकी जो लुक है, ब्लू वाटर एंड ब्राउन माउंटेन्स, ब्लू स्काई, वो देखा हमने ठीक है, और अब जो पैंगोंग देख रहे हैं दोस्तों वो एकदम से गायब, धुंध भरी हुई है, बारिश पड़ रही है, बर्फ गिर रही है और अलग मजा है, मेरे लाइफ की ये सेकेंड स्नोफॉल है, लास्ट ईयर सरचू पास पे स्नोफॉल हुआ था, इस साल यहाँ पे पैंगोंग लेक पे स्नोफॉल हो रहा है और कैंपिंग फर्स्ट टाइम अपनी कैंपिंग कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, लव यू ऑल। और बाहर आ जाओ बाहर, नागराजन कहाँ से आप? तमिलनाडु। आई एम कैम सिंह, KMZ कैम सिंह, यार जो मजा यहाँ आ रहा है यार, कहीं अब तक ऊपर बेवकूफ लोग बैठे हैं, कितना फीलिंग आ रही है ना, हर पे आ जा, ये पहाड़ों पे बर्फ गिरी है अभी अभी, ये नजारा आ रहा है अभी अभी और हम हैं पैंगोंग लेक पे, आप मेरी शक्ल देखिए बता सकते हैं, देख सकते हैं क्या लग रहा हूँ मैं इस समय, ठंड से बचने के लिए मैंने बहुत कुछ पहना है। सच में बहुत मजा आ रहा है यार, ले लिया है गलती ना की है, गलती ना ऐसे कहा कि ऐसे सुते रहे उस कमरे में, ओथे को छुपा कमरा है और ए देखो सारे कुकर खड़े घूमते पे, क्यों घूम रहे हैं, एमएस कर रहे हैं असली माहौल साडा, ओ देखो दीज आर द वंस
हम टेंटों में सो रहे हैं और ये सो रहे हैं सीमेंटेड कमरे में। फायदा क्या भैया, पेंगोंग क्यों आए हो, पेंगोंग क्यों आए हो आप, आप घर जाके बैठो गर्म गर्म दूध पियो। तो ये नजारा आपका दोस्तों में दोस्ती में। ओ माय गुडनेस, अरे भाई लोग आओ जल्दी। फिर से मौसम खराब होने वाला, हम चाय पीते हैं, चाय नहीं पी तो काम खराब हो जाएगा, रात को नींद खराब हो जाएगी।